हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ लखन दायमा, आपको एम पी जी के पढ़ा रहा हूँ। एम पी जी के कैसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो आपके एम पी पी सी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एम पी जी के में पर्यटन स्थल। तो एम पी जी के में पर्यटन स्थल एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपकी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, और इसकी कहाँ कहाँ पर कुछ विशेष या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, तो पहले इसमें पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल में हम पढ़ेंगे मांडू, सांची, भीमबेटका, खजुराहो और ग्वालियर, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है दूसरा धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, अमरकंटक, भेड़ाघाट, चित्रकूट और मैहर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आता है प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल में हम चचाई एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी और चचाई और बहुटी जलप्रपात और पचमढ़ी, इन पर्यटन स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। अब मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल में सबसे पहला स्थल आता है मांडू। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, और इसमें से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इसमें पहला मांडू। अब एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए जो मांडू है यह किस जिले में है। तो यह धार जिले में है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और इसी को आनंद की नगरी भी कहा जाता है, या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है मांडू को। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो ये मांडू को कहते हैं, आप इसको याद रखना। इसके बाद में एक और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडू को एक और किस नाम से जाना जाता है, या इसका पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स। तो इसका पुराना नाम है सादियाबाद, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और मांडू में महल कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मांडू में महल देखिए, तो पहला है असरफी महल, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जहाज महल है, फिर हिंडोला महल है, इसके बाद फिर बाज बहादुर का महल है, इसके बाद में रानी रूपमती का महल और तवेली महल। ये इतने महल हैं, और इन महलों में से जैसे अभी तक ज़्यादा पूछा गया है उसमें ये असरफी महल ज़्यादा पूछा गया फ्रेंड्स, हिंडोला महल पूछा गया है और रानी रूपमती का महल पूछा गया है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मांडू में मस्जिद कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है मांडू में जामा मस्जिद है जो फेमस है। इसके बाद में यहीं पर हुसंग शाह का मकबरा है और नीलकंठ मंदिर है, ये यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ दरवाजे हैं, तो कौन कौन से प्रमुख दरवाजे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मांडू में लगभग 12 प्रसिद्ध प्रवेश द्वार हैं, या 12 दरवाजे फेमस हैं, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन से दरवाजे हैं, तो इसमें दिल्ली दरवाज़ा या सुल्तान दरवाज़ा, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन सा, दिल्ली दरवाज़ा या सुल्तान दरवाज़ा, यह फेमस है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में इसी दिल्ली दरवाजे को मांडू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछ सकता है कि बताइए मांडू का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो दिल्ली दरवाजा कहते हैं या फिर सुल्तान दरवाजा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, और इसके बाद फिर राम गोपाल दरवाजा, ठीक है, इसके बाद फिर इसी में तारापुर दरवाजा, ये प्रमुख दरवाजे हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है सांची। तो सांची भी बहुत ही फेमस एक पर्यटन स्थल है, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि सांची किस जिले में आता है, तो यह रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान रखना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सांची रायसेन में आता है या विदिशा में आता है, ठीक है, तो ये रायसेन जिले में आता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो सांची में स्तूप है, और यहाँ का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो सांची का स्तूप है यह किस जिले में आता है, तो रायसेन जिले में है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है, सांची में, ठीक है, इसे याद रखना आप लोग। इसके बाद में इसका निर्माण कौन करवा कर गया है,
तो सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसके बाद फिर 1989 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सांची को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो 1989 में या 1989 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो 1818 में जनरल टेरल ने की थी। क्या नाम था उसका? जनरल टेलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो जनरल टेलर ने। कब की थी, तो इसका समय भी आपको ध्यान रखना है, 1818 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद फिर सांची में भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन, इनकी अस्थियां रखी गई है। ये हमारी MPBSC में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या नाम है? सारिपुत्र और महामोदग्लायन, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य कौन थे जिनकी अस्थियां सांची के स्तूप में रखी गई है, तो सारिपुत्र और महामोदग्लायन, ठीक है। इसके बाद फिर सांची में ही पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1919 में जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची में पुरातात्विक संग्रहालय या सांची पुरातात्विक संग्रहालय का संस्थापक कौन है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल। कब की थी इसने? इसकी स्थापना 1919 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद में एक और आपको याद रखना पॉइंट कि हर्मिका क्या है। हर्मिका, तो हर्मिका का मतलब सीधा सा आप लोग याद रखना कि स्तूप में जहाँ हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान कहलाता है हर्मिका। तो ये हमारा प्री का क्वेश्चन भी है और यहाँ से मेन का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो प्री का क्वेश्चन क्या है, तो प्री में आपसे पूछेगा कि हर्मिका क्या है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि स्तूप में जहाँ हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं, या तीन ऑप्शन और आपको अलग अलग दिए जाएंगे, तो जहाँ हड्डी या उसके अवशेष रखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है हर्मिका कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद में स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेधी कहलाता है, और स्तूप के चारों तोरण द्वार बने हुए हैं और जिन पर कथाएं कुछ लिखी हुई है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तूप का प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो वह मेधी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसी स्तूप के चारों ओर ये दरवाजे बने हुए हैं, उन दरवाजों को कहा जाता है तोरण, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में जो सांची का स्तूप है इसका व्यास कितना है, तो 36.5 मीटर ये इसका व्यास है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 21.64 मीटर ये इसकी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताए हैं सांची के स्तूप से संबंधित, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखना। इसके बाद में फिर अगला पर्यटन स्थल आता है भीमबेटका, जो बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भीमबेटका ये कहाँ पर है, तो यह भी रायसेन जिले में आता है, और 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2003 में, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी खोज कितने की थी, तो इसकी खोज के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 1957 में इस स्थल की खोज हमारे यहाँ पर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आपसे आगामी परीक्षाओं में भी पूछ सकता है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर किस काल के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें मिले हैं, कहाँ से, भीमबेटका से। इसके बारे में और अगर आपको विस्तार में जानना है, तो हमने जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, हमने ये भीमबेटका को पूरे विस्तार से समझाया है, तो आप उसमें हमारे वीडियो में सारे पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है खजुराहो, तो खजुराहो यह भी बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खजुराहो किस जिले में स्थित है, तो यह छतरपुर जिले में स्थित है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, और राजनगर तहसील में स्थित है, और यह हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ स्थल है,
इसको आपको ध्यान रखना है। 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह खजुराहो किन शासकों की नगरी रहा है या किन शासकों का नगर रहा है, तो खजुराहो चंदेल शासकों का नगर रहा है और चंदेल शासकों का ही यह धार्मिक और सांस्कृतिक नगर रहा है। इसे याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खजुराहो किन शासकों का धार्मिक नगर और सांस्कृतिक नगर या केंद्र रहा है, तो चंदेल शासकों का नगर या केंद्र यह रहा है। और इसके आधारशिला किस राजा ने रखी थी, तो राजा चंद्रवर्मा ने, या इसे ही नन्नुक के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो इसमें एक इंजीनियर का नाम आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है T.S. Wirt। ये कहाँ के इंजीनियर थे, ये ब्रिटेन के इंजीनियर थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, T.S. Wirt। इन्होंने खजुराहो के मंदिर को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसको ध्यान रखना आप लोग फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण काल क्या रहा है, तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी इसका समय रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण काल है वो कब से कब तक है, तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि खजुराहो में किस किस धर्म के मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स खजुराहो में शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म के मंदिर बने हुए हैं। तो शैव धर्म का मतलब होता है भगवान शंकर की पूजा करने वाले लोग, और जैन धर्म महावीर स्वामी की पूजा करने वाले लोग, और वैष्णव धर्म का मतलब होता है भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग, ठीक है। तो ये तीन धर्मों के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और यहाँ पर मंदिरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लगभग 25 मंदिर हैं खजुराहो में। इसके बाद में इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख जो बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सबसे फेमस मंदिर है वहाँ का और प्रमुख भी है। तो एग्जाम में हमारे MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर के अलावा जिननाथ, वैद्यनाथ और आदि मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर यह भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हमारे मध्य प्रदेश का। अब ग्वालियर में ग्वालियर का किला स्थित है जो बहुत ही फेमस है, और इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है या किलों का रत्न भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्वालियर का किला है उसे एक और किस नाम से जाना जाता है, तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या किलों का रत्न उसे हम कहते हैं, ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इसके बाद में ये ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये बार बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजा सूरज सेन ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये ग्वालियर के किले में स्थित है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में इसी ग्वालियर के किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल और विक्रम महल, ये सब इसी में स्थित हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर है सब, ठीक है। तो गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, विक्रम महल, ये सब कहाँ पर हैं, ग्वालियर के किले में हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ग्वालियर के किले में ही 5 दरवाजे हैं। ये दरवाजे भी हमसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा दरवाज़ा कहाँ पर है। तो इन दरवाज़ों में देखिए, यहाँ पर पहला उत्तर पूर्व में है जिसको हाथी पुल दरवाज़ा या हाथी फोड़ दरवाज़ा भी कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम में, तो दूसरा दरवाज़ा है दक्षिण पश्चिम में जिसको बादलगढ़ द्वार के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा हिंडोला दरवाज़ा, भरतहरी दरवाज़ा और आलमगीर, ये ऐसे दरवाजे यहाँ पर स्थित हैं इस ग्वालियर के किले में। इसके बाद इसी ग्वालियर के किले में मान मंदिर और सहस्त्रबाहु का मंदिर, ये सब बने हुए हैं कहाँ पर, ग्वालियर के किले में। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान मंदिर कहाँ पर है, तो ग्वालियर के किले में है। फिर आपसे पूछ सकता है कि सहस्त्रबाहु का मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी ग्वालियर के किले में स्थित है। अब सहस्त्रबाहु
मंदिर का पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम है सास बहू का मंदिर। फ्रेंड्स उसमें कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर वह सास बहू की जगह अब सहस्त्र बहू देता है तो कन्फ्यूज मत होना, यही नाम है वो, ठीक है। तो सहस्त्र बहू का ही पुराना नाम क्या है, सास बहू का मंदिर, या सास बहू के मंदिर का नया नाम क्या है, तो सहस्त्र बहू मंदिर। ये कहाँ पर है, ग्वालियर के किले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है धार्मिक स्थल। तो हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का भी बहुत महत्व रहा है, ठीक है। तो धार्मिक स्थलों में पहला स्थल है महेश्वर, जो बहुत फेमस है। कहाँ पर है ये, तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो धार्मिक स्थल है महेश्वर, यह किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यह किस जिले में स्थित है, तो खरगोन जिले में स्थित है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद में महाजनपद काल में दक्षिण अवंतिका की राजधानी यह महिष्मति रहा था। तो महेश्वर का पुराना नाम क्या है, ठीक है, महिष्मति आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक महाजनपद थे जिसका नाम है अवंतिका, और अवंतिका की राजधानी उज्जैनी और महिष्मति, ये दो राजधानी थी इसकी। तो उत्तरी अवंतिका की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महिष्मति थी। और यही महिष्मति वर्तमान में क्या है, महेश्वर, जो खरगोन जिले में स्थित है, इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद फिर महेश्वर में ही अहिल्याबाई संग्रहालय ये स्थापित है, ध्यान रखना। इसके बाद यहीं पर अहिल्याबाई की समाधि भी है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहिल्याबाई की समाधि कहाँ पर है। फ्रेंड्स तो ये है महेश्वर में, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर है, तो महेश्वर में ही है। इसके बाद में महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ध्यान रखना है आपको। और कौन से नदी पर है ये, तो ये नर्मदा नदी पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में ही महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो ये महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नर्मदा नदी पर जो घाट है वो है महेश्वर घाट, जिसको महिल्या घाट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और यही मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी घाट भी है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट कौन सा है, तो ये महेश्वर में है, ध्यान रखना, इसी को अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अहिल्याबाई द्वारा संरक्षित महेश्वर साड़ी उद्योग, ये भी यहीं पर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर चुका यह उद्योग। तो आपने सुना भी होगा महेश्वर की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे भारत में, और ऐसे ही चंदेरी की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। और ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे चंदेरी के बारे में पूछा गया है कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर महेश्वर साड़ी उद्योग ये किसके द्वारा संरक्षित था, ये अहिल्याबाई के द्वारा संरक्षित था। तो तब से लेकर आज तक यहाँ पर साड़ी उद्योग स्थित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद फिर अगला आता है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर यह भी धार्मिक पर्यटन स्थलों में बहुत प्रमुख है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओंकारेश्वर यह किस जिले में स्थित है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओंकारेश्वर यह खंडवा जिले में स्थित है फ्रेंड्स, और ओंकारेश्वर में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से दो ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं, एक है उज्जैन में और दूसरा है ओंकारेश्वर में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर या ममलेश्वर के रूप में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ चुका है। इसके बाद फिर राज्य सरकार के द्वारा इसे ओंकारेश्वर को पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी यहीं पर स्थापित है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आगे हम जो आपको फैक्ट बता रहे हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है कि यहाँ पर काजल रानी और शंकराचार्य की गुफाएं स्थित हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल जिसका नाम है उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, तो यह उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह छिप्रा नदी के किनारे स्थित है या उसके तट पर स्थित है। इसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है,
और भगवान शंकर का यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, हमारे भारत में भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में अब यहाँ पर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो दर्शनीय स्थलों में यहाँ पर देखिए जैसे जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, इसके बाद गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, इसके बाद में चिंतामन मंदिर और हरसिद्धि माता का मंदिर, ये सभी उज्जैन में स्थित हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आता है अमरकंटक, तो यह भी दर्शनीय और धार्मिक स्थल है हमारे मध्य प्रदेश का, इसको ध्यान रखना। अमरकंटक यह किस जिले में आता है फ्रेंड्स, तो यह अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है और मेकाल श्रेणी पर स्थित है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में यही अमरकंटक से ही माँ नर्मदा का उद्गम होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अमरकंटक में कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, ये ऐसे जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में यहीं पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, तो नर्मदा कुंड जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है वहाँ पर ये नर्मदा कुंड स्थित है, ठीक है। इसके बाद में सोनकुंड और कर्ण मंदिर, माई की बगिया और श्रीयंत्र मंदिर, ये सब यहाँ पर स्थित हैं अमरकंटक में। इसके बाद में अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है, ये आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो ये अमरकंटक को कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आता है भेड़ाघाट। अब भेड़ाघाट यह किस जिले में आता है, तो यह जबलपुर ज़िले में आता है, यह जबलपुर ज़िले में स्थित है, इसे ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पर जो भेड़ाघाट है, तो भेड़ाघाट का नाम भेड़ाघाट क्यों हुआ, तो यहाँ पर एक ऋषि थे जिसका नाम था भृगु ऋषि, और भृगु नाम के ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे या अपनी साधना करते थे या उनकी साधना स्थली रही है, इसी भृगु ऋषि के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा है भेड़ाघाट, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। और यह भेड़ाघाट कहाँ पर आता है, जबलपुर में है। इसके बाद में यहीं पर बंदर कूदनी एक दर्शनीय स्थल है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में यहीं पर 64 योगिनी मंदिर और धुआंधार जलप्रपात इसी भेड़ाघाट में मतलब जबलपुर में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो 64 योगिनी मंदिर और भी स्थानों पर हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 64 योगिनी मंदिर सिर्फ जबलपुर में ही स्थित है, इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी 64 योगिनी मंदिर बने हुए हैं। इसके बाद में धुआंधार जलप्रपात यह जबलपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर यह भेड़ाघाट दर्शनीय स्थल है। इसके बाद फिर अगला आता है चित्रकूट। चित्रकूट यह भी दर्शनीय और धार्मिक स्थल दोनों ही हैं, तो दोनों ही दृष्टि से यह भी प्रसिद्ध स्थल है। तो चित्रकूट यह किस जिले में आता है, तो यह सतना जिले में आता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चित्रकूट किस जिले में आता है, ये तो सतना जिले में आता है। और किस नदी पर स्थित है, तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर एक कौन सा तीर्थ है, तो यहाँ पर कामतगिरी तीर्थ है, और यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कामतगिरी तीर्थ चित्रकूट में किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया जा चुका है। इसके बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी यहीं पर की थी, इसको ध्यान रखना, और अकबर के समय चित्रकूट में ही की थी उन्होंने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे, और इसी समय जब अकबर का शासन था तो इसी समय तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम पर आधारित रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। तो रामचरितमानस में और रामायण में अंतर क्या है फ्रेंड्स, तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और तुलसीदास जी ने उसी रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चित्रकूट में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, तो यहाँ पर सती अनुसुईया आश्रम बना हुआ है, इसके बाद में भरतकूट ये बना हुआ है, इसके बाद में हनुमान धारा यहीं पर है, इसके बाद सीता कुंड है यहाँ पर, इसके बाद फिर रामघाट है यहीं पर, फिर इसके बाद यहीं पर
भरत राम और भरत का मिलन भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो भरत मिलाप भी स्थल यहीं पर आता है चित्रकूट में। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती अनुसुईया आश्रम कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा चित्रकूट, ये आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है मैहर। तो मैहर बहुत ही फेमस स्थल है। यह किस जिले में आता है फ्रेंड्स, तो यह सतना जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो सबसे फेमस मंदिर है वो है शारदा माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो शारदा माता का मंदिर मैहर में है, सतना जिले में आता है। और यह किस पर्वत पर स्थित है, तो त्रिकुटा पर्वत पर शारदा माता का मंदिर स्थित है और कैमूर श्रेणी में स्थित है, इसे आप ध्यान रखना। इसके बाद में मैहर में आला उदल अखाड़ा और गोलमठ का मंदिर, ये मैहर में स्थित है। इसके बाद मैहर को ही संगीतकार अलाउद्दीन खान ने अपनी कर्मभूमि बनाया था, इसलिए इसे मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खान ने अपनी कर्मभूमि किसे बनाया था, तो ये बनाया था मैहर को, और इसीलिए इसे संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो संगीत की नगरी क्यों कहा जाता है या संगीत नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खान एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और यहीं पर रहते थे वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खां की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन भी मैहर में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्राकृतिक स्थल। अब प्राकृतिक स्थल में कौन कौन से स्थल है फ्रेंड्स और कहां कहां पर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें पहला पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, यह सिवनी जिले में स्थित है। और 1975 ईस्वी में यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित कब किया गया था, तो 1975 में इसे स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया था, तो 1992 में 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में इसी राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मोगली के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और यहीं पर मोगली कार्यक्रम भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी है, इसको कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बीचों बीच से नदियाँ गुजरती है जिसका नाम है पेंच और कानन नदी, इनका नाम आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पेंच और कानन नदी ये कहाँ से प्रवाहित होती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत फेमस है। इसके बाद फिर अगला आता है मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी। तो मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये सतना जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ था और यहाँ सफ़ेद शेरों को बसाए गए हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थापित है, तो ये सतना जिले में स्थापित इसे किया गया है, शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 3 अप्रैल 2016 को। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर सफ़ेद शेरों को बसाया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बहुटी और चचई जलप्रपात। तो बहुटी जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये रीवा ज़िले में है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवटी, बहुटी और चचाई ये जलप्रपात सब रीवा ज़िले में स्थित हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले चचाई जलप्रपात हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन वर्तमान में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना होगा बहुटी जलप्रपात। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई है बहुटी जलप्रपात की। इसके बाद फिर आता है चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात यह भी हमारे रीवा ज़िले में आता है, इसको ध्यान रखना, और यह मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, एग्जाम में अपने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला जिले में स्थित है, इसको याद रखना। और एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1933 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो इसको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में, और 1974 में 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखना। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या है, इसका मस्कट क्या है, तो भूर सिंह द बारासिंगा, ये इसका शुभंकर है, इसको ध्यान रखना। और इसका डिजाइनर कौन रहा है, तो डिजाइनर इसका रहा है रोहन चक्रवर्ती, इसको ध्यान रखना। और यहीं से दो नदियां गुजरती है, एक बंजर और हालो, ये दो नदियां यहां से गुजरती है, इसलिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हालो और बंजर घाटी ये कहां पर है या किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है पचमढ़ी, तो पचमढ़ी यह हमारे होशंगाबाद जिले में आता है, बहुत ही फेमस है, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पचमढ़ी को कहा जाता है, और पचमढ़ी को ही हिल स्टेशन भी कहते हैं, और इसी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे कैप्टन जे फारसोथ, इसने इसकी खोज की थी, और मध्य प्रदेश में ही पचमढ़ी में, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये पचमढ़ी में जड़ी बूटी केंद्र स्थापित किया गया फ्रेंड्स, इसको याद रखना। फिर यहां पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो यहां पर पर्यटन स्थल हैं जटाशंकर, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़ और नंदीगढ़, ये यहां पर प्रसिद्ध स्थल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो धूपगढ़ यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी भी हमारे मध्य प्रदेश की, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर डचेस फॉल है, रजत फॉल है, अप्सरा है, इसके बाद में बी फॉल है, ये ऐसे फॉल यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स पचमढ़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पर्यटन स्थल का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।